हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेडीमेड कुर्ते की फिटिंग कैसे करें। बहुत ही इजी और सिंपल वे के साथ हम आपको रेडीमेड कुर्ते की फिटिंग करना बताएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग करना नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी कुर्ते की फिटिंग कर पाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये हमारे पास रेडीमेड कुर्ती है और ये एक्सल साइज की है। लेंथ हम इसकी इतनी ही रखेंगे, 42 इंच। अब हम इसे उल्टा करेंगे। जी देखिए, इस तरह से उल्टा करने के बाद अब हम सबसे पहले साइड सिलाई का निशान लगाएंगे, जहाँ से 13.5 इंच। और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी निशान लगाएंगे, 13.5 इंच। जी देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम जहाँ पर ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे, ब्रेस्ट हमारे पास 16 इंच है, लेकिन हम जिसकी फिटिंग करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी फिटिंग करेंगे, तो हम जहाँ पर 17 इंच की फिटिंग करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा और निशान लगाएंगे ताकि जो हमारे पास 17 इंच आए। जी देखिए, इस तरह से 17 इंच आ चुका है। अब हम जहाँ से सेंटर में से कमर का निशान लगाएंगे, जो हमारे पास 13 इंच है, तो 6.5 इंच का निशान लगाएंगे जहाँ पर। और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, इस तरह से। और जहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे, और हिप हमारे पास 16 इंच है, तो दोनों साइड से हम 8-8 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर। ये देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम स्लीव के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा फिटिंग जरूर करेंगे। जी देखिए, जो हमने निशान लगाए हैं सेम निशानों के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, और 4.5 इंच स्लीव लेते हुए इस तरह से इसकी फिटिंग कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। और नीचे से हम सिलाई को डबल करेंगे। जी देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड के ऊपर भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। और जहां से भी इसे डबल करेंगे। और जहाँ पर भी हम 4.5 इंच इस तरह से स्लीव लेते हुए सिलाई लगा लेंगे, उस सिलाई को अच्छे से डबल करेंगे। और उसके बाद हम नीचे से जो इसके स्लीव से उसे फोल्ड कर लेंगे, जहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक कट करने के बाद स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। और इस ऐसे फोल्ड करते हुए जहाँ पर हम घेरे का निशान लगाएंगे, 16.5 इंच है, तो हम 8 इंच टू पॉइंट पर निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड के ऊपर भी निशान लगाएंगे 8 इंच टू पॉइंट पर। और जहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक कट करने के बाद इसके स्लीव्स फोल्ड करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लिया है दोनों साइड से। अब हम इसके स्लीव्स फोल्ड कर लेंगे। जी देखिए, आप चाहे तो इसके ऊपर तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर सिलाई ही लगाएंगे। और जहां से भी इसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम फोल्ड करेंगे।
और इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी स्लिट्स को फोल्ड करेंगे। और जहाँ से भी हम स्लिट्स को फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड से स्लिट्स को फोल्ड कर लिया है। अब हम जहाँ से छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे इस तरह से, और जहाँ से भी हम छोटे छोटे नोचेस लगाकर इसे सीधा कर लेंगे, और फिटिंग के ऊपर भी हम जहाँ से भी छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे इस तरह से, ताकि जब इसे फोल्ड करें तो इसमें कोई जोल वगैरह ना आए। इस तरह से छोटे छोटे नोचेस लगाने के बाद इसे हम सीधा करेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही परफेक्ट फिटिंग वाली हमारी कुर्ती है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।